हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे नए वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो हम बात करेंगे बैटरी के हेल्थ के बारे में। जैसा कि आपको मालूम है कि मोबाइल फ़ोन का जो बैटरी रहता है उसका चार्जिंग साइकिल जो रहता है आपको 90 to 30% मतलब आपको चार्ज रखना रहता है मोबाइल में। इससे क्या होता है कि आपकी जो बैटरी की कैपेसिटी रहती है वो मेनटेन रहती है और उसका जो लूज़ रहता है वो भी काफ़ी मतलब अच्छा रहता है, यानी कि लूज़ पावर ज़्यादा लूज नहीं करता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आप कोई नया फ़ोन लेते हैं तो उसे आप बार बार 100% चार्ज करते हैं तो उससे क्या होता है कि आपके मोबाइल का जो बैटरी का कैपेसिटी रहता है तो वो लूज़ हो जाता है, यानी कि आपका बैटरी बहुत जल्दी ड्रेन हो जाता है, यानी उसका पावर कम होता है बहुत जल्दी। तो आप यही सोचते हैं कि मेरा बैटरी तो जल्दी ख़राब कैसे हो गया। तो दोस्तों, ये जो बैटरी का एक्सेल मतलब जो ख़राब होने का रीज़न रहता है यही है कि ज़्यादातर लोग रात में उसे चार्ज लगा के छोड़ देते हैं, फिर सुबह फुल हो जाता है, फिर जैसे थोड़ा कम होता है फिर वो चार्ज लगाते फुल करते हैं बैटरी। तो इससे क्या होता है कि बैटरी की जो सेल्स रहती है वो काफ़ी डैमेज हो जाता है, तो इसकी वजह से आपका बैटरी बहुत ज़्यादा लूज़ होता है। तो इस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स करेंगे? देखिए, सबसे पहले अगर हम बात हमारे साइंस यानी कि जो बैटरी की आप कैपेसिटी कैसे मेंटेन रख सकते हैं, तो उसके लिए देखिए आपको 30% से लेकर 90% आप अपने मोबाइल में चार्ज हमेशा रखिए, यानी कि 90% से ऊपर मत रखिए और 30% से नीचे मत होने दीजिए, ठीक है। तो देखिए, इसको हम कैसे मतलब अपने मोबाइल में अप्लाई करेंगे, इसके लिए दोस्तों आपका मोबाइल फ़ोन रूट होना चाहिए। अगर आपका मोबाइल फ़ोन रूट है तो एक ऐप आता है, तो उस ऐप को मैं आपके वीडियो में अभी आगे दिखाऊंगा कि उससे आप कैसे अपने जो भी परसेंटेज रहता है चार्जिंग का उसे आप कंट्रोल कर सकते हैं, यानी आप जितना सेट कर देंगे सिर्फ आपका उतना ही चार्ज होगा, उससे आगे आपका चार्ज नहीं होगा, आप भले रात में लगा के छोड़ते मोबाइल को। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते, अगर वीडियो आपको दोस्तों पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। ऐसे तो देख लीजिए दोस्तों, यही ऐप है, जैसा कि आप देख सकते हैं बैटरी चार्ज लिमिट नाम से आता है, तो आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा और इसकी डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और उससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि अगर आपका फ़ोन रूट नहीं है तो आपको रूट करने के लिए सिंपली गूगल पे जाना है, अपना फ़ोन का नाम और मॉडल नंबर आगे डालने के बाद वहाँ पर रूट लिख देना है, तो उसकी रिकॉर्डिंग्स बहुत सारे वीडियो आ जाएंगे, तो आप वो देख के अपना मोबाइल रूट कर सकते हैं, ठीक है। अगर रूट नहीं गए तो ऐप आप में वर्क नहीं करेगा, तो ध्यान रखिएगा। तो चलिए इसे हम ओपन करते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ से इसे ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद दोस्तों ये रूट परमिशन मांगेगा, तो आपको रूट परमिशन दे देना, मैंने ऑलरेडी दे चुका हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए इनेबल बैटरी चार्ज लिमिट, तो यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए 80% बाय डिफॉल्ट सेट हुआ है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे इसे हम 90 पे सेट कर देंगे, ठीक है। अब 90 पे सेट करने से क्या होगा कि जब भी हमारा मोबाइल फ़ोन अगर हम लगा के छोड़ देंगे रात भर, अगर 90% हमारा मोबाइल चार्ज हो जाएगा तो उससे आगे चार्ज नहीं होगा, उसी पे स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं, और यहाँ पे ये भी है नोटिफाई, आप कर सकते हैं यहाँ से आपके यानी नोटिफिकेशन में शो करेगा, ठीक है। और उसके बाद चलिए हम आपको यहाँ पे एक डेमो दिखा देता हूँ, और यहाँ पे देखिए ये वाला जो है यहाँ पे सेट है कि अगर मान लीजिए आपके मोबाइल में इतना चार्ज है, अगर आप लगाएंगे तो इससे अगर नीचे रहेगा तो जाएगा, नहीं तो फिर नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए अभी मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे लाइव। अब देखिए जैसे मेरे मोबाइल में 69% है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे 90% मैं आपको दिखा के देख ले दिखा देता हूँ एक बार। तो यहाँ पे देखिए मैंने 60 पे सेट कर दिया, ठीक है। तो अभी मैं चार्ज लगाऊंगा तो ये चार्ज नहीं हुआ क्योंकि मेरे पे ऑलरेडी उससे ज़्यादा चार्ज है। तो यहाँ पे देखिए चार्जर मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ आपके सामने, देखिए चार्ज लगा दिया, लेकिन देखिए यहाँ पे ये नहीं हो रहा है चार्ज। लेकिन अभी जब मैं इसको जैसे बढ़ा देता हूँ यानी कि इससे ऊपर कर देता हूँ, तभी देखिए चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। सॉरी, 1 मिनट, यहाँ से बटन बंद था। ओके, चालू हो गया। अब मैं देखिए यहाँ पे ये चार्ज हो रहा है, ठीक है, लेकिन अभी मैं जैसे उससे नीचे कर दूँ तो चार्ज नहीं होगा। ये देखिए चार्ज यहाँ पे छोड़ दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जितना सेट करूँगा उतना होगा। देखिए यहाँ पे अब चार्ज होना शुरू हो गया है। तो हम इसी तरीके से दोस्तों सेट कर सकते हैं और अपने मोबाइल का बैटरी का हेल्थ वो काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। तो सेम दोस्तों आपको करना क्या है, देखिए यहाँ पे आपको सेट कर देना है 90% और यहाँ पे 30, ठीक है। तो यहाँ पे हम 90 सेट कर देंगे और यहाँ पे आपको 30 सेट कर देना है, इससे आपकी बैटरी की हेल्थ काफ़ी अच्छी रहेगी और आपको बैटरी चेंज कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, और कभी भी आप 0 to 100 मत करिएगा, 0 to 100 करने से बैटरी काफ़ी ज़्यादा लूज़ में चला जाता है। तो सब कुछ सिंपल, यहाँ पे देखिए चार्जिंग लिखा गया, इसका वोल्टेज टेम्परेचर सब यहाँ पे शो करता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको पसंद है, इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।